चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 3 साल के प्यार को रिश्ते में बदलने को लेकर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। बालाघाट जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर फिल्मी अंदाज में गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम निमदेवाड़ा की रहने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी की आस लगाई हुई थी। यह प्रेमी और कोई नहीं उसके भाभी का भाई था, जहां अपने प्रेमी से लंबे समय से प्रेम करती थी, लेकिन जब उसके मर्जी के बगैर दूसरे से शादी तय हुई तो उसे नहीं पता कि जिस प्रेमी से शादी की जीत कर रही थी वही उसकी प्रेम कथा का अंत करेगा। घटना 14 अप्रैल को सामने आई जब भरवेली थाना क्षेत्र के बंजारी व गांगुलपारा के बीच घने जंगल में युवती का शव मिला, जहां शव की पहचान उसके परिजनों के द्वारा कपड़े से पहचान की गई। जानकारी के अनुसार हट्टा थाना के ग्राम निमदेवाड़ा में रहने वाली प्रेमिका पूर्णिमा पिता धनराज बिसेन उम्र 23 वर्ष की, उसके प्रेमी गिरिराज पटले उम्र 25 वर्ष निवासी खारामो गांव ने युवती के ही दुपट्टे से गला घोट कर हत्या कर दी और शव भरवेली थाना क्षेत्र के बंजारी व गांगुलपारा के बीच घने जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने कुछ घंटों में हत्याकांड का खुलासा किया है। मृतिका का 8 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को ग्राम शारद सिवनी के पटेल परिवार में ही विवाह तय हुआ था, लेकिन शादी से पहले प्रेमी ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद शनिवार को आरोपी गिरिराज पटले को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका के पिता की माने तो 5 अप्रैल को घर से सुबह के वक्त सिलाई सेंटर जाती हूँ कहकर घर से पैदल निकली थी। पूर्णिमा का 22 अप्रैल को शादी तय हुआ था। उसी के शादी के कार्ड बांटने के पश्चात शाम को जब घर लौटा तो पता चला कि पूर्णिमा लापता है, तो उन्होंने थाना में गुमसुती की शिकायत दर्ज कराई। वहीं इसी मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि आरोपी गिरिजा शंकर पटले ने पूर्णिमा को गांगुलपारा घुमाने ले गया था। क्योंकि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, इसीलिए पूर्णिमा गिरिराज शंकर पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन गिरिराज शंकर ने बदनामी के डर से शादी से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गिरिराज शंकर ने पूर्णिमा के दुपट्टे से ही उसका गला घोट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे। काका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज धनराज। क्या नाम है आपका? धनराज। कहाँ रहते हैं? निमदेवाड़ा। क्या नाम था आपकी बच्ची का? कब से लापता थी? पूर्णिमा बिसेन। कितने साल की थी? 21-22 साल की थी। कब से लापता थी? 5 तारीख से। क्या कारण मारते क्या हो? कुछ नहीं, मैं तो पत्रिका बांटने गया था, शादी जुड़ गई थी। कब की शादी थी? 22 अप्रैल। पत्रिका बांटने गया था 7 बजे। अच्छा, कब आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, 5 तारीख से गायब थी, तो कब रिपोर्ट करे थे आपने? आज कैसे मालूम हुआ कि आपको? किसे बताया लाश पड़ी हुई है? गुरु जी से फोन आएगी, मतलब सरपंच साहब ने फोन किया। अच्छा, क्या बताया उनने? एक लाश है भाव उधर ऊपर गई आपके तरफ, ऐसा बताया। तो वो लाश आपकी लड़की की है ना? एक आप कुछ मालूम है किसके साथ कुछ चल रहा था आप रिश्तेदारी में? इसमें मृतिका जो है हट्टा की रहने वाली हैं और इसका अपने ही किरनापुर के रहने वाले एक जो इसके रिश्तेदार हैं उससे इसका अफेयर था। दिनांक 5 तारीख को दोनों ही गांगुलपारा घूमने आए थे। गांगुलपारा में जब लड़की की चूँकि 21 तारीख को शादी थी, तो शादी का जब लड़की ने दबाव बनाया कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, लड़के के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि दोनों ही एक ही समाज को बिलोंग करते हैं और रिश्तेदारी में भी आते हैं, तो उसने शादी से इनकार किया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच दोनों के बीच में वारदात झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की के दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर बॉडी को वहीं छुपा दिया। परिजन द्वारा दिनांक 6 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज थाना हट्टा में दर्ज कराई गई थी। जब सारी समग्र प्रकरण को ध्यान में रखकर विवेचना की गई, बारीकी से हर बिंदु पर जांच की गई और जब ये मुखबिर से पता चला कि गिरिजा शंकर जो एक आरोपी है इसमें,
उसकी इस लड़के से बातचीत होती है जब उसकी CDR निकाली गई। CDR में दोनों की बातचीत होना और दोनों की लोकेशन गांगुलपुरा आना पाए जाने पर जब इससे शक्ति से पूछताछ की तो इसने हत्या करना कबूला और कल दिनांक को इसकी लाश बरामद की गई है। अभी मुकदमा दर्ज है, आरोपी हिरासत में। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।